हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, जी वो कंफर्म करा दीजिए। 30 64। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। हम सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, और पिछले कुछ सालों से नेटफ्लिक्स ने इंडियन ऑडियंस पर फोकस करते हुए बहुत सी अमेजिंग इंडियन वेब सीरीज और मूवीज व्यूअर्स को दी हैं। इनमें से कुछ इंडियन वेब सीरीज तो नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर रही हैं और रिकॉर्ड ब्रेकर भी साबित हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल इंडियन शोज के बारे में बात करने वाले हैं। नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट वॉच्ड इंडियन वेब सीरीज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो आपकी फेवरेट वेब सीरीज इस लिस्ट में जगह बना पाई है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो हम शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है शी। ये 2020 की ये नेटफ्लिक्स सीरीज इंडियन ओटीटी वर्ल्ड के ट्रेंडिंग वेब सीरीज जॉनर क्राइम ड्रामा जॉनर की सीरीज है, जो अपने रिलीज टाइम पर काफी पॉपुलर रही थी। इसकी रिलीज से पहले क्राइम थ्रिलर जॉनर की बहुत सी वेब सीरीज इंडियन ऑडियंस देख चुकी थी, इसीलिए शी वेब सीरीज के क्रिएटर इम्तियाज अली ने अपनी इस क्राइम स्टोरी को थोड़े डिफरेंट टच के साथ व्यूअर्स के सामने रखा। ये सीरीज एक अंडरकवर मिशन और इस सेंसिटिव मिशन का हिस्सा बनी एक लेडी कांस्टेबल के अराउंड सेंटर्ड है। एक फीमेल कांस्टेबल एक अंडरवर्ल्ड गैंग का पर्दाफाश करने के लिए एक सेंसिटिव अंडरकवर मिशन का हिस्सा बन जाती है, और ये मिशन उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। दोस्तों, इस सीरीज की थीम के साथ साथ लीड स्टार अदिति पोहंकर की बेहतरीन परफॉर्मेंस भी इसकी पॉपुलैरिटी का कारण रही है। नेटफ्लिक्स ने इसका कोई ऑफिशियल व्यूअरशिप डेटा तो अनाउंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऑडियंस रेटिंग के अकॉर्डिंग ये नेटफ्लिक्स के मोस्ट पॉपुलर इंडियन शोज में से एक है। मार्च 2021 में इसको सेकंड सीजन के लिए रिन्यू किया जा चुका है। तो दोस्तों, इसके सेकंड सीजन के आने से पहले इसके फर्स्ट सीजन को आप नेटफ्लिक्स पर जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 4 पर है जमतारा सबका नंबर आएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स की ये अमेजिंग क्राइम ड्रामा सीरीज अपने रिलीज टाइम पर कितनी पॉपुलर रही थी। इसकी क्रिएटिव थीम और स्टोरी को व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया, और इंडियन वेब सीरीज वर्ल्ड की मोस्ट लव्ड सीरीज में इसका भी नाम शामिल हो गया था। रियल इवेंट्स पर बेस्ड ये इंटरेस्टिंग सीरीज झारखंड की जमतारा डिस्ट्रिक्ट में हुए एक सोशल इंजीनियरिंग ऑपरेशन की स्टोरी हमें दिखाती है। सीरीज की स्टोरी एक स्मॉल टाउन के कुछ यंग मैन को फॉलो करती है, जो एक फिशिंग रैकेट चलाते हैं और धोखे से लोगों को ठगते हैं। लेकिन जब स्टोरी में एक करप्ट पॉलिटिशियन और एक कॉप की एंट्री होती है, तब सीरीज में एंटरटेनमेंट और थ्रिल का लेवल बढ़ने लगता है। इस बिंज वर्दी सीरीज का टाइटली रिटन प्लॉट एंड तक व्यूअर्स को बांध कर रखता है, और यही कारण है कि ये सीरीज अब तक भी व्यूअर्स के बीच काफी पॉपुलर है। अगर अब तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। नेटफ्लिक्स की ये मोस्ट पॉपुलर इंडियन सीरीज एक सीजन और टोटल 10 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 3 पर है कोटा फैक्ट्री। हम सभी की फेवरेट, हमारे दिल के सबसे करीब इस वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी तो किसी से भी छुपी नहीं है। ये टीवीएफ की बहुत सिंपल सी सीरीज इस कदर व्यूअर्स के दिलों पर छा गई थी कि व्यूअर्स की रिपीटेड रिक्वेस्ट पर क्रिएटर्स को इसका सेकेंड सीजन लेकर आना पड़ा। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ और व्यूज के मामले में रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुआ। इस सीरीज की स्टोरी इंडिया के एजुकेशनल हब कोटा में सेट है और 16 ईयर ओल्ड बॉय वैभव को फॉलो करती है। ये सीरीज राजस्थान की सिटी के स्टूडेंट्स की लाइफ और उनके स्ट्रगल को करीब से दिखाती है। मेनली स्टोरी वैभव और उसके फ्रेंड्स के अराउंड सेंटर्ड है, जो इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करके IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों, एजुकेशन पर बेस्ड इस सीरीज में कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस, ये सब कुछ एंजॉय करने का मौका आपको मिलेगा। इस सीरीज में एडेड इमोशंस इसका सबसे बेस्ट पार्ट है, और इसके ये इमोशंस ही व्यूअर्स को पूरा बांध लेते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए इसके सेकंड सीजन ने इसे नेटफ्लिक्स के मोस्ट पॉपुलर इंडियन शोज में से एक बना दिया है। तो दोस्तों, इसके दोनों सीजन नेटफ्लिक्स पर आप एंजॉय कीजिए, और इसके थर्ड सीजन के आने का इंतजार कीजिए। क्यों करना है IIT? ऐसा क्या है IIT में? दूसरा साल चल रहा है IIT प्रिपरेशन का, और अभी आपको ये डिस्कस करना है कि हमको IIT क्यों करना है? IIT करनी है, क्यों करनी है IIT ही क्यों? सवाल लेट पूछा तो सवाल गलत हो जाता है क्या? अजीब से चित्र घूमते रहते हैं दिमाग में, मन घबराता रहता है। नंबर 2 पर है दिल्ली क्राइम। इंडिया की सबसे वेल मेड और वेल रिटन क्राइम ड्रामा सीरीज इसे कहा जा सकता है। जिस किसी ने भी इस सीरीज को देखा, वो इसकी राइटिंग का और इसकी मेकिंग का फैन हो गया। दिल्ली क्राइम नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर और सबसे बेस्ट इंडियन वेब सीरीज में से एक मानी जाती है। ये 2020 में इसे आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का एमी अवार्ड भी मिला,
और ये ग्रैंड अवार्ड जीतने वाली इंडिया की ये पहली सीरीज बन गई। दोस्तों ये सीरीज 2012 दिल्ली गैंग रेप वाले हॉरिफिक इंसिडेंट के आफ्टर इफेक्ट्स हमें दिखाती है। मेनली ये सीरीज निर्भया केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इसके कल्प्रिट्स को पकड़ने में दिल्ली पुलिस के एफर्ट्स व्यूअर्स के सामने रखती है। 22 मार्च 2019 को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और इसकी स्क्रिप्ट, इसके प्लॉट, एक्टर्स की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इन सभी फैक्टर्स ने इसे नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर इंडियन सीरीज बना दिया। 7 अमेजिंग एपिसोड्स के साथ इसका फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसके सेकेंड सीजन पर अभी काम चल रहा है। Our old friend has lost his mind. सबसे पहले तुम दोनों को किसी टॉप क्लब में डालना होगा। मेरे लड़के ना जो माँ की गोद में थे ना, वहाँ से उठा के मैंने ट्रेनिंग दी उनको। मैंने भी अपनी बिल्ली को वायलिन बजाने की ट्रेनिंग दी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीत जाएगी। ये 1989, अभी टिंडर जैसी महान और अद्भुत वस्तु का आविष्कार नहीं हुआ है, तो जो व्यक्ति नजरों के सामने उपलब्ध है उसी से काम चलाना पड़ता है। इसे बनाने में शाहजहां को 22 साल लग गए थे और आपको मुझे यहाँ लाने में 22 साल लगे। नाम बल लगाए बताए, बार बार एक ही बात दोहरा रहा है, काम मुकम्मल होगा ऐसा कुछ। गुनाह का एहसास दिला कर गुनहगार को निकल जाओ। आपको कैसे आज के इस मुबारक सफर में मैं मुसाफिर अली आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अच्छी नौकरी है कंप्यूटर फॉर्म में, पर अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट समझता है। यू मेक मी फील लाइक जूलियट। तो आज से मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा। नंबर एक पर है सैक्रेड गेम्स। ओटीटी की दुनिया में और इंडियन वेब सीरीज वर्ल्ड में इस क्राइम थ्रिलर सीरीज को गेम चेंजर माना जाता है। दोस्तों इंडिया में मास लेवल पर वेब सीरीज और ओटीटी की शुरुआत सेक्रेड गेम्स ने ही की थी, और सिर्फ ये सीरीज ही नहीं बल्कि इसके तो कैरेक्टर्स और डायलॉग्स भी एक्सट्रीमली पॉपुलर रहे थे। इस सीरीज ने ही इंडियन क्रिएटर्स को ये दिखाया था कि सिर्फ मूवीज ही नहीं बल्कि वेब सीरीज को भी मास लेवल पर एंजॉय किया जा सकता है। इस इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर सीरीज ने एक ऐसी यूनिक स्टोरी व्यूअर्स के सामने रखी थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। गैंगस्टर गणेश गायतोंडे एक ट्रबल्ड पुलिस ऑफिसर सरताज को अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका देता है, और यहां से स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एंड तक जाते जाते अपना एक एक पार्ट सामने रखती जाती है और थ्रिल का लेवल एकदम पीक पर चला जाता है। ये नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर और रिकॉर्ड ब्रेकर इंडियन सीरीज है। अगर अब तक आपने ये नहीं देखी है तो इसके दोनों सीजन को आप नेटफ्लिक्स पर जाकर जरूर इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेटफ्लिक्स की रिकॉर्ड ब्रेकर वेब सीरीज और मूवीज की अमेजिंग लिस्ट के लिए स्क्रीन पर सजेस्टेड प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आप एक ट्रू मूवी फैन हैं तो मूवीज और वेब सीरीज की सबसे बेस्ट चॉइसेस के लिए द चॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।